नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे पौष गणेश चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है जब रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। तब वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए रावण को एक खिलौने के तौर पर दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने विचार किया और सोचा कि जिसको भी अभिमान हो जाता है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या असुर हो, सभी की इसी तरह की गति होती है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इसी व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो। तब पितामह की आज्ञा सुनकर रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को पूरा किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। मान्यता है जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। तो ये थी पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।